गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि मछली को अलग अलग एंगल से कैसे बना सकते हैं। एक ही मछली को डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट कलर्स में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप किसी भी एंगल में इसको बना सकते हैं। पहले ड्रॉ कर लीजिए, ठीक से पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। कहीं से गलती होती है तो उसको मिटा के ठीक करके अच्छी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। पहले कोई एक्स्ट्रा लाइन लग जाती है तो उसको मिटा सकते हैं। पहले ठीक से पेंसिल से ड्रॉ करके उसके बाद इसको ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे। कार्टून टाइप मछली कैसे ड्रॉ की जाती है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से ड्रॉ करिए। एक ही मछली को डिफरेंट एंगल में कैसे बनाएंगे। अब ये मछली हमने लेफ्ट साइड इसका मुंह है तो इसको दूसरे एंगल से कैसे ड्रॉ करना है वो आप देखते चलेंगे, अलग अलग एंगल और अलग अलग कलर में। इसके विंग्स कैसे ड्रॉ करने हैं, बीच में डेकोरेशन के लिए ये गोल गोल डिज़ाइन बना सकते हैं। अलग अलग स्क्वायर में हम अलग अलग मूवमेंट में बनाएंगे इसको। अभी इसकी पूंछ थोड़ी नीचे को और मुंह ऊपर को है, कलर भी अलग करेंगे इसको।
पेंसिल से कोई आपको लगता है कोई ख़राबी रह जाती है तो स्केच पेन के करते समय हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि पेंसिल से ड्रॉ करते समय ही उसको मिटा के ठीक कर लिया जाए। अब इनको देखेंगे, ये नीचे लेफ्ट साइड जो है इसका मुंह इस तरफ है, तो ऊपर वाली जो है एक दूसरे के सामने मुंह किए हुए बना सकते हैं हम। दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ, कंपोजिशन अच्छी बन जाएगी। आप इसमें से कोई एक भी बना सकते हैं, एक से अधिक भी बना सकते हैं, और चाहे तो चार की चार बना सकते हैं। आप कोई डिफरेंट कंपोजिशन भी बना सकते हैं इसकी। जहाँ अगर पूँछ एक दूसरे की तरफ है तो आप मुंह एक दूसरे की तरफ बना सकते हैं। छोटे बच्चे कोई एक बना सकते हैं, जिस एंगल में उनको इजी लगे, और चाहे तो एक से अधिक भी बना सकते हैं। कोशिश करनी है कि साइज़ लगभग एक जैसा आए। हैंडमेड चीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही सकता है, लेकिन कोशिश करनी है कि एक ही साइज़, ताकि आपकी ड्राइंग देखने में अच्छी लगे। साइज़ बड़ा हो जाने पर आप मिटा सकते हैं।
पूरा ठीक से ड्रॉ करके उसके बाद ही सभी को स्केच पेन से ओवरलाइनिंग करेंगे। पेंसिल से ड्रॉ करते समय तो गलती होने पर आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब ब्लैक स्केच पेन से आप ओवरलाइन करेंगे तो फिर बड़े ध्यान से लाइन लगानी है स्केच पेन की। कहीं कोई गलत लाइन लग गई तो फिर उसको मिटा नहीं सकते, पेंसिल की लाइन को तो इरेज कर सकते हैं इरेजर से। एक बार के बजाय कई बार मिटा सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से फाइनल करके फिर धीरे धीरे ब्लैक स्केच पेन से करिए। आप अपने ड्राइंग पैड को अपनी सुविधा अनुसार इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अपने हिसाब से इसको मोड़ के अपने पेज को अपनी तरफ मोड़ के इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में रख के काम करना आपके लिए मुश्किल होगा। आपको लगता है कि पेंसिल की लाइन थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, आप उसको स्केच पेन से करते समय कट कर सकते हैं और बाद में पेंसिल की लाइन को मिटा सकते हैं। ज़रूरी भी नहीं है कि पेंसिल की लाइन जहाँ पर है तो बिल्कुल उस लाइन के ऊपर ही लाइन लगानी है। आप अपने हिसाब से उसको ठीक करना चाहें तो ठीक कर सकते हैं लास्ट मोमेंट तक, जब तक स्केच पेन से पूरा ड्रॉ नहीं कर लेते। पेंसिल की लाइन के बाहर भी ले जा सकते हैं, अंदर से भी मोड़ सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। जहाँ ब्लैक कलर आना है उसको आप पहले से ही स्केच पेन से ब्लैक कर सकते हैं, आँखों वाला पोर्शन।
ध्यान से देखते रहिए कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, पहले कौन सी चीज़ फिर कौन सी चीज़। बड़ी पेशेंस के साथ ड्रॉ करना है, कोई लाइन दाएं बाएं आगे पीछे बाहर को ना निकल जाए। खास तौर पर स्केच पेन से जब आप ओवरलाइनिंग कर रहे हैं उस समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई भी लाइन टेढ़ी होगी तो उसको फिर मिटा नहीं सकते हैं, मिटाने की कोशिश करेंगे तो पेपर ख़राब हो सकता है, फिर कलर करने में प्रॉब्लम आ सकती है, पेपर फट सकता है। एक साइड मुंह है तो उसके पंख किस डायरेक्शन में होंगे, दूसरी साइड अगर उसका फेस है तब पंख किस डायरेक्शन में होंगे, इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, आप ड्रॉ करेंगे जब स्केच पेन से ओवरलाइनिंग कर ली है, जब मैंने उसको ध्यान से देखी, क्योंकि ब्लैक स्केच पेन से आपको क्लियर दिखाई देगा कौन सा काम कैसे किया है। कलर कर लेने के बाद इतना ठीक ढंग से आप ड्रॉ नहीं कर सकते, इस समय
आप ड्राइंग क्लियर देख सकते हैं। बनाते समय वीडियो को बार बार देख लीजिए ध्यान से पहले, खास तौर पर जब स्केच पेन से कर रहा हूँ उस समय आपको ठीक ढंग से पता चलेगा कौन सी लाइन कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, कहाँ पहले स्टार्ट करनी है। कौन सी चीज़ के लिए स्टार्ट कहाँ से करना है इस चीज़ का भी मालूम होना चाहिए। कई बार हम गलत जगह से स्टार्ट कर लेते हैं फिर ठीक नहीं बनता कुछ भी। धीरे धीरे बड़ी पेशेंस के साथ ड्रॉ कीजिए, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। ब्लैक स्केच पेन करने के बाद पेंसिल की जो एक्स्ट्रा लाइनें दिख रही हैं उनको हम मिटा सकते हैं, अच्छी तरह से मिटा के फिर कलर करेंगे। प्लास्टिक क्रेयॉन कलर करेंगे हम इसमें। चारों मछलियों की कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग हम करेंगे। देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन हम येलो से बनाएंगे, येलो से मिलते जुलते कलर करेंगे। लेमन येलो कलर कर रहा हूँ लेकिन लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। डीप येलो से हम इसको ऊपर से कर सकते हैं। येलो कलर कर लेने के बाद इसको उभारने के लिए अंदर से ऑरेंज कलर की लाइनिंग कर सकते हैं। लाइन के साथ अंदर से ज़रा ज़रा ऑरेंज कलर लगाएंगे ताकि येलो कलर उभर के आए, उभर से दिखे। देखिए येलो के हमने आसपास लाइनों के पास पास थोड़ा ऑरेंज कलर लगाया है तो येलो कलर अभी और उभर कर अच्छा लग रहा है। इसी तरह हर कलर की हम उसी के डार्क कलर से थोड़ा लाइन के साथ हम शेड दे सकते हैं। अब इसकी बॉडी को हम ऑरेंज कलर करेंगे तो ऑरेंज कलर करने के लिए, ऑरेंज कलर को उभारने के लिए ऑरेंज का जो डार्क शेड है रेड कलर हम लाइन के अंदर एक लाइन लगाएंगे, क्योंकि ये कलर थोड़ा दबा के लगाना पड़ते हैं ज़ोर से। तो ऑरेंज कलर लगा लेने के बाद जब रेड कलर लगाएंगे तो वो थोड़ा और ज़ोर से लगाना पड़ता है। जैसे फेस पर हमने येलो कलर लगाने के बाद येलो के ऊपर ऑरेंज लगाया है तो येलो जितना ज़ोर से लगाया है उससे ज़्यादा ज़ोर से ऑरेंज कलर लगाना पड़ता है।
तो इसलिए बिल्कुल पास से पकड़ना है ताकि टूट ना जाए। इसके जो विंग्स हैं इनको भी हम भले ही एक ही कलर करना है, लेकिन उसको कलर की अच्छी शेड आए तो नीचे पहले लाइट कलर कर लेना है पीछे, और फिर डार्क कलर करना है। ऑरेंज कलर कर रहा हूँ पीछे पीछे, हर विंग के पीछे पीछे लास्ट में ऑरेंज कलर, और स्टार्ट में फिर इसको डार्क रेड कलर लगाएंगे। तो ये डबल कलर शुरू में डार्क रेड होगा और लास्ट में ऑरेंज, तो उससे अच्छी शेड आएगी। ये देखिए जो वाइट छोड़ा हुआ है तो उसमें हम रेड कलर करेंगे, और पीछे ऑरेंज कलर है, ऑरेंज लाइट है और रेड डार्क है। तो दो दो कलर जब हम यूज़ करते हैं तो अच्छे कलर उभर के आते हैं। कोई एक कलर भी तो लगाया जा सकता है, मान लो अभी हम रेड लगा रहे हैं तो सिर्फ रेड भी तो विंग्स में लगाया जा सकता था, लेकिन रेड के साथ थोड़ा लाइट कलर भी लगाया है तो दो कलर से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह इस मछली को हम ग्रीन से मिलती जुलती शेड्स जो हैं वही यूज़ करेंगे। पूरे फेस को हम लाइट ग्रीन कलर करेंगे, सैप ग्रीन कलर। ध्यान से देखते रहिए कि पहले मैं कौन सा कलर कर रहा हूँ, उसके बाद इसको हाइलाइट्स देने के लिए, इसको उभारने के लिए साइड में इसी का डार्क कलर। मान लो ये लाइट ग्रीन है तो डार्क ग्रीन से इसकी आउटलाइन करेंगे अंदर से, तो ये ग्रीन उभर के आएगा। जैसे लेफ्ट साइड की जो मछली सबसे पहले बनाई है तो येलो कलर कर लेने के बाद फिर ऑरेंज कलर से हमने लाइन के साथ लाइन लगाई थी। अभी देखिए इसको मैं डार्क लाइन लगा रहा हूँ। एक ही स्ट्रोक से तो लाइन नहीं बनेगी, थोड़ा दबा के यूज़ करना पड़ेगा, और लाइन के अंदर ही रहे कलर। ब्लैक स्केच पेन की जो आपने लाइन लगा रखी है उसके अंदर ही रहे कलर, बाहर ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए आप ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन जो है वो डार्क के आउटलाइन के बीच उभर के आया है। अब इसकी बॉडी को हम डार्क ग्रीन कलर करेंगे, तो डार्क को उभारने के लिए, ग्रीन को उभारने के लिए फिर हम ग्रीन का जो डार्क है वो लगा सकते हैं। तो ग्रीन को नेवी ब्लू जो है, पर्शियन ब्लू, वो यूज़ कर सकते हैं हम आउटलाइन के लिए। तब डार्क ग्रीन कलर उभर के आएगा। और इसके विंग्स जो है वो फिर ब्लू कलर के करेंगे, तो वो सारा ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा।
ये जो बॉडी पर गोल गोल डिजाइन है इसके भी बाहर ना चला जाए कलर, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ब्लू कलर बॉडी की जो आउटलाइन है उसके अंदर अंदर जरा ब्लू कर लेना है। अब इसके लिए भी पहले हम लाइट कलर एंड में लाइट कलर कर लेंगे और फिर स्टार्ट में डार्क कलर। ये लाइट ब्लू कलर जैसे स्काई ब्लू कलर हम एंड में करेंगे, लास्ट में सभी बींग्स को, और स्टार्टिंग में फिर डार्क ग्रीन कलर, डार्क ब्लू कलर, तो उसकी अच्छी शेड आएगी। फिर एक ही कलर करने से इतनी अच्छी शेड नहीं आएगी। तो आप देख रहे हैं एक को हमने कलर किया है इसी टेक्निक से। तो लास्ट लास्ट में हम ये स्काई ब्लू कलर करेंगे। अब स्टार्टिंग में हम ये देखिए स्टार्टिंग में डार्क ब्लू करेंगे, लेकिन आपकी स्ट्रोक्स उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में ये विंग्स की स्ट्रोक्स हैं, उसके बीच में जो लाइनें लगा रखी हैं वो भी उसी डायरेक्शन में हैं, तो आपके कलर्स की स्ट्रोक भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। लाइन के बाहर कलर ना चला जाए, जरा भी बाहर गया तो ड्राइंग की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। अब इसमें हम फेस को स्काई ब्लू कलर करेंगे लाइट, और डार्क ब्लू से फिर इसकी भी आउटलाइन करके इसको उभारेंगे। आप चाहें तो पेज को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, तो स्काई ब्लू अच्छी तरह करके फिर डार्क ब्लू से इसकी भी लाइन के साथ साथ आउटलाइन करनी है। ऐसे आप अपनी सुविधा के लिए अपनी तरफ इसको मोड़ सकते हैं, नहीं तो जो कलर आपने कर लिए हैं उनके ऊपर आपका हाथ आता है तो वो कलर आपके हाथ से खराब हो सकते हैं। तो इसलिए पेज को अपनी आसानी के लिए इसको मोड़ सकते हैं। डार्क ब्लू से आउटलाइन करने से ये स्काई ब्लू कलर थोड़ा उभर के आ रहा है अभी। इसी तरह ये गोल गोल जो डिज़ाइन है इसको हम पर्पल कलर करेंगे, पर्पल कलर के ही बींग्स भी बनाएंगे। जो कलर फेस को किया है उसी का डार्क कलर, उससे डार्क कलर जो है बॉडी को करना है। जैसे येलो हमने फेस को किया है तो येलो से डार्क लाइट ऑरेंज कलर हमने बॉडी को किया है,
दूसरी मछली को लाइट ग्रीन फेस की है तो डार्क ग्रीन बॉडी को किया है। इसी तरह जहाँ स्काई ब्लू लाइट ब्लू का फेस किया है तो बॉडी को डार्क ब्लू कर रहे हैं। और जिस जो कलर हम बॉडी को कर रहे हैं उसी का जो डार्क कलर है उससे हम इसकी आउटलाइन करेंगे। सेम टेक्निक इसमें भी जो इसके पर हैं विंग्स जो हैं लास्ट में लाइट कलर रखेंगे। और स्टार्ट में डार्क तो डार्क कलर हम पर्पल कलर करेंगे। ये देखिए एंड में लाइट रहने देंगे स्टार्ट में डार्क। लाइट रहने देने के लिए लाइट कलर पहले कर लेना है जैसे अभी हमने पहले कर लिया लास्ट में लाइट कलर डार्क फिर उसके ऊपर से कर रहे हैं। तो इस टेक्निक से कलर अच्छे दिखते हैं। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि लाइन के बाहर कलर ना जाए। और जिस डायरेक्शन में आपकी पेंसिल की लाइनें हैं या स्केच पेन की लाइनें हैं उसी डायरेक्शन में आपकी कलर की स्ट्रोक्स भी होनी चाहिए। हर विंग को वही टेक्निक लास्ट में वही कलर जो फेस को किया हुआ है लाइट स्काई कलर। और शुरू में पर्पल कलर तो स्टेप बाय स्टेप कलर करने हैं। एक ही कलर पूरी बॉडी में नहीं कर सकते। एक एक चीज़ को अलग अलग कलर जैसे आँखों को हमने अलग से किया स्केच पेन से ब्लैक कलर फेस को अलग है बॉडी को अलग है बाकी बींग्स को अलग अलग कलर और हर मछली को अलग अलग है। तो सही टेक्निक से जब हम कलर करते हैं तो आपकी ड्राइंग अच्छी दिखती है। करते समय भी अच्छी दिखेगी कर लेने के बाद भी अच्छी दिखेगी। और जब जब देखेंगे आपकी अपनी बनी हुई ड्राइंग है जब जब भी देखेंगे आपको संतुष्टि होगी खुशी होगी। अपने हाथ से काम करने से मन खुश होता है और जब मन खुश होता है तो फिर पढ़ाई में भी इजीली लग जाता है। ड्राइंग करने से आपकी जो मानसिक थकावट है वो दूर हो जाती है। ये कोई काम नहीं है। जैसे कोई भी काम करने से शरीर में थकावट होती है मन को भी थकावट होती है लेकिन ये ऐसा काम है कि इसमें थकावट नहीं होती आप और ही रिचार्ज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो आपको ये राय दूंगा कि मान लो आपने आप पढ़ाई के समय घर में होमवर्क कर रहे हैं स्कूल का
एक होमवर्क का आपने कर लिया, मान लो मैथ का आपने कर लिया, अभी इंग्लिश का होमवर्क करने के लिए आपको मूड नहीं बन रहा है, थकावट महसूस हो रही है, तो आप उसके बीच में दाएं बाएं कोई और टीवी देखने के बजाय, मोबाइल देखने के बजाय आप ये ड्राइंग कर सकते हैं। तो ड्राइंग करने से एक तो आपकी ड्राइंग भी इम्प्रूव होगी और दूसरा आप नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप रिचार्ज हो जाएंगे, मन भी खुश हो जाता है और ड्राइंग आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आती है, हर सब्जेक्ट्स में। दुनिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको ड्राइंग की आवश्यकता नहीं, इसलिए ये कभी मत सोचना कि ड्राइंग की हमें क्या ज़रूरत है, हमने कोई आर्टिस्ट तो बनना नहीं है और ना ही कोई ड्राइंग टीचर बनना है। कई बार आप ये भी सोच लेते हैं ना, मगर ड्राइंग टीचर या आर्टिस्ट ना भी बनना हो, किसी भी सब्जेक्ट में जाना हो, किसी भी फील्ड में, तो ड्राइंग तो हर जगह आपके लिए आवश्यक है, काम आने वाली है। एक तो हर जगह काम आने वाली है और दूसरा इससे आपको खुशी की प्राप्ति भी होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, थकावट के बजाय उल्टा आप और ही ऊर्जावान हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। तो इसलिए पहले ठीक से वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, एक बार दो बार ऑब्जर्व कीजिए, पहले क्या बनाया है, फिर क्या बनाया है, कौन सी चीज़ कैसे ड्रॉ की है, कहाँ से स्टार्ट की है, कौन सी लाइन कहाँ से ली है, फिर उसके बाद कौन सी लाइन ली है, तो उसको पहले ऑब्ज़र्व कर लीजिए, देख लीजिए बार बार, फिर बनाना स्टार्ट कीजिए, तब आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। बाकी अभ्यास तो हर काम के लिए चाहिए, इसमें भी आप कोई एक बार कोई ड्राइंग बना लेते हैं तो उससे आपकी ड्राइंग में आप परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बार बार जब भी मैं आपको कोई नई वीडियो भेजता हूँ तो उसको ध्यान से बनाइए, बार बार बनाइए, उससे आपको संतुष्टि भी होगी, खुशी भी होगी, आनंद भी आएगा और आप चार्ज भी हो जाएंगे। घर में आप अपने रूम में दीवार पर अपनी बनी हुई पेंटिंग फ्रेम करके लगा सकते हैं, उससे भी आपको खुशी की प्राप्ति होगी, अपने मित्रों को दिखा सकते हैं। इसी तरह इसमें भी हमने बींग्स को लास्ट में लाइट कलर किया है, तो शुरू में रेड कलर करेंगे, पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन। देखो रेड और पिंक से हम कर रहे हैं तो ये बींग्स कितने प्यारे लग रहे हैं अभी, सभी के दो दो कलर मिक्स किए हैं तो हर चीज़ अच्छी लग रही है। कोई भी चीज़ जब टेक्निक से की जाती है, सोच समझ कर की जाती है कि कौन सा कलर यहाँ सूट करेगा, इस कलर के साथ दूसरा कलर कौन सा सूट करेगा, तो ये बार बार जब आप बनाते जाएंगे तो आपको इस चीज़ की भी नॉलेज हो जाएगी कि कौन से कलर के साथ दूसरा कलर कौन सा कलर लगा सकते हैं।
लगभग जो आपकी ड्राइंग पूरी हो गई है। आपको जो वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं सेंड करता हूँ आपको टाइम पर मिल जाती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पेंटिंग बना के टीचर को ज़रूर दिखाइए, मुझे भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।